एवरीवन, हाउ आर यू डूइंग? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। एंड फ्रेंड, आई एम मोना। वेलकम बैक टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद बिलीजर मोना। सो फ्रेंड्स, इन टुडेज वीडियोस आई एम गोना टेल अबाउट यूजेस ऑफ एचएमआर। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम एचएमआर का यूज सीखेंगे, जिनसे हम बनाएंगे डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस, जिन्हें हम अपनी डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एचएमआर है क्या। HMR, आप ज़्यादा ग्रामर में अभी मत जाइएगा, केवल इतना जान लीजिए कि जो HMR हैं वो ऑक्सिलरी वर्ब हैं। सो फ्रेंड्स, HMR का मीन्स क्या होता है? इज का मीन्स होता है और एम का मीन्स होता है हूँ और आर का मीन्स होता है एंड हो। तो फ्रेंड्स, जैसे कि सेंटेंस अगर हम ले लें, वह है, मैं हूँ, मैं के साथ हूँ का यूज होगा, हूँ का यूज और कहीं नहीं होगा। इट्स मीन मैं के साथ एम का यूज होगा और हम हैं तो वहाँ हम आर का यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा हम ये जान लेते हैं कि इज के साथ जो भी सब्जेक्ट यूज होता है वो कौन कौन से सब्जेक्ट यूज होंगे, कौन सा नाउन यूज होगा, कौन सा प्रोनाउन यूज होगा। तो फ्रेंड्स, इज जो है, इज ऑक्सिलरी वर्ब है, उसके साथ हम यूज करते हैं ही, सी, दिस, दैट, इट और कोई भी सिंगुलर नाउन और कोई भी सिंगुलर प्रोनाउन। एंड फ्रेंड्स, एम है जो, तो एम ओनली एक ऐसा ऑक्सिलरी वर्ब है जो आई के साथ यूज होता है, ओनली आई के साथ। और आई क्या है? आई हमेशा फर्स्ट पर्सन होता है और सिंगुलर प्रोनाउन होता है। आई क्या होता है? आई होता है फर्स्ट पर्सन और सिंगुलर प्रोनाउन। अब फ्रेंड्स, देख लेते हैं हम आर। आर का यूज हम किन के साथ करेंगे? आर का यूज हम करेंगे वी, यू, दे, दीज, दोज, प्लूरल नाउन, जो भी प्लूरल नाउन होंगे उनके साथ और प्लूरल प्रोनाउन। तो फ्रेंड्स, आइए अब देखते हैं इनसे जो सेंटेंस बनेंगे और इनका हम यूज किस तरीके से करेंगे उसको देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं इज एम आर का फर्स्ट यूज। तो फ्रेंड्स, इज एम आर का जो फर्स्ट यूज होता है वो होता है सिंपल सेंटेंस के रूप में, प्रेजेंट में। जो भी सेंटेंस हम बनाएंगे वो प्रेजेंट में होगा और होगा सिंपल। तो सिंपल सेंटेंस में क्या होता है फ्रेंड्स, जो भी सेंटेंस होता है उस सेंटेंस में सब्जेक्ट की अवस्था बताई जाती है, यानी कि स्टेट बताई जाती है। जैसे कि यहाँ सेंटेंस लिखा हुआ है मैं ईमानदार हूँ, तो यहाँ पर मैं अपनी ही अवस्था को बता रही हूँ, अपनी स्टेट बता रही हूँ कि मैं कैसी हूँ, ईमानदार। तो फ्रेंड्स, इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं उन सेंटेंस में हम एज एम आर का यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस सेंटेंस को हम बनाएंगे आई एम ऑनेस्ट, यानी मैंने बताया था कि आई एक ऐसा सिंगुलर प्रोनाउन है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर प्रोनाउन, जिसके साथ ओनली एम का ही यूज होता है, यानी हूँ। हूँ के लिए हम क्या यूज करते हैं? एम। तो ये सेंटेंस हो जाएगा आई एम ऑनेस्ट। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, तुम खुश हो, तुम खुश हो, यू आर हैप्पी। यू के साथ, यू एक ऐसा प्रोनाउन है जो सिंगुलर और प्लूरल दोनों में आता है, सिंगुलर और प्लूरल, यानी कि हम किसी एक व्यक्ति से भी यू का यूज करते हैं और एक से ज्यादा होते हैं तब भी हम वहाँ यू का यूज करते हैं। तो यू के साथ आर का यूज होता है दोनों ही अवस्था में। तो यहाँ सेंटेंस बन जाएगा यू आर हैप्पी। यू के साथ हम क्या यूज करेंगे? आर का, हो यानी आर, यू आर हैप्पी। नेक्स्ट सेंटेंस है, वह भूखा है, ही इज हंग्री, वह भूखा है। तो फ्रेंड्स, मैंने बताया था जो आपको पहले, इससे पहले उसमें बताया था कि ही, सी, इट, सिंगुलर नाउन, सिंगुलर प्रोनाउन, ये सब थर्ड पर्सन होते हैं और इनके साथ हमेशा हम इज का यूज करते हैं प्रेजेंट में। जो भी सिंपल सेंटेंस बनेगा उसमें हम इज का यूज करते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेंटेंस है, वह घर पर है, वह घर पर है, ही इज एट होम। यहाँ पर भी उसकी अवस्था बताई जा रही है, यानी कि वो कहाँ पर है? अपने घर पर। और ही के साथ किसका यूज करेंगे हम? इज का। इसीलिए मैंने पहले ही समझा दिया था कि किस के साथ किसका यूज होता है। नेक्स्ट सेंटेंस है, वे बहुत आलसी हैं, दे आर वेरी लेजी, दे आर वेरी लेजी। दे हमारा थर्ड पर्सन है और प्लूरल प्रोनाउन है, प्लूरल प्रोनाउन, तो इसके साथ हम आर का यूज करेंगे, दे आर वेरी लेजी। नेक्स्ट सेंटेंस है, हम गरीब हैं, हम गरीब हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये जो हम वर्ड है, मैंने आपको बताया था हम यानी वी के साथ हम आर का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि ये हमारा जो होता है हम, वो होता है हमारा फर्स्ट पर्सन होता है और ये जो सब्जेक्ट होगा वो प्लूरल होता है, यानी कि प्लूरल प्रोनाउन है ये, और हम के साथ, वी के साथ, यानी कि आर का यूज करते हैं। तो सेंटेंस बने,
वी आर पुअर, वी आर पुअर। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं इज एम आर का नेक्स्ट यूज। ये तो हमारा हो गया नंबर वन यूज, सिंपल सेंटेंस यानी प्रेजेंट में जो सिंपल सेंटेंस होते हैं उनके लिए हम इस तरीके से यूज करते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट सेकंड यूज। तो फ्रेंड्स अब हम सीखेंगे इज एम आर का सेकंड यूज। तो फ्रेंड्स इज एम आर का सेकंड यूज क्या है, ये जो इज एम आर है ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस जो हमारा होता है उसमें भी यूज होते हैं। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस क्या होता है, जो सेंटेंस होते हैं जिनके सेंटेंस के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, ऐसे वर्ड्स आते हैं, वो जो सारे सेंटेंस होते हैं वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस होते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ कुछ मैंने सेंटेंस लिखे हुए हैं, वह पढ़ रहा है, वह गाना गा रही है, हम स्कूल जा रहे हैं और एसेट्रा। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं हम इनमें इज एम आर का यूज कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स फर्स्ट सेंटेंस है वह पढ़ रहा है, वह पढ़ रहा है, ही इज स्टडिंग, यानी कि मैंने आपको बताया था ही क्या है, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन और सिंगुलर प्रोनाउन, उसके साथ हमने इज का यूज कर लिया, सो सेंटेंस हो जाएगा ही इज स्टडिंग। और ऐसे ही हम सेंटेंस को जब ट्रांसलेट करते हैं तो उसको हमें अपनी डे टू डे लाइफ में यूज भी करना चाहिए स्पीकिंग के लिए। तो फ्रेंड्स दूसरा सेंटेंस है वह गाना गा रही है। अब यहाँ गा रही है यानी लड़की को डिनोट किया जा रहा है, तो वह के लिए यहाँ हम लगाएंगे शी, शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, सी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। तो सी के साथ हमने किसका यूज किया, इज का। नेक्स्ट सेंटेंस हम स्कूल जा रहे हैं, तो यहाँ हमने यूज किया है हम, और हम है फर्स्ट पर्सन और प्लूरल नाउन, तो हम के साथ वी आर का यूज होगा, वी आर। तो सेंटेंस हो जाएगा वी आर गोइंग टू स्कूल। नेक्स्ट फ्रेंड्स मैं खाना खा रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, तो यहाँ पर ये जो आई है मैं, इसके साथ हमेशा हम एम का यूज करते हैं। मैं पहले बता चुकी हूँ ऑलरेडी आई के साथ हम किसका यूज करते हैं, एम का। आई के साथ प्रेजेंट में और कोई वर्ड यूज नहीं हो सकता और कोई ऑक्सिलरी वर्ब यूज नहीं हो सकती। आई एम ईटिंग फूड, और यू कैन से आई एम ईटिंग की जगह आप हैविंग का यूज कर सकते हैं, आई एम हैविंग फूड, आई एम ईटिंग फूड। नेक्स्ट सेंटेंस है तुम लिख रहे हो, और तुम मीन्स यू, यू के साथ हमेशा हम आर का यूज करते हैं, चाहे वो सिंगुलर पोजीशन में हो या प्लूरल पोजीशन में हो, और ये हमारा होता है सेकंड पर्सन। तो हो जाएगा सेंटेंस यू आर राइटिंग, यू आर राइटिंग। और नेक्स्ट सेंटेंस है वे दौड़ रहे हैं, वे दौड़ रहे हैं, तो सेंटेंस होगा दे आर रनिंग। यहाँ दे के साथ हमने क्या यूज किया, आर, क्योंकि जो दे है वो है हमारा प्लूरल प्रोनाउन एंड थर्ड पर्सन, तो जो थर्ड पर्सन और प्लूरल प्रोनाउन होता है उसके साथ हम आर का यूज करते हैं, बिकॉज दे का मीन्स है प्लूरल यानी एक से ज्यादा। तो फ्रेंड्स अब आइए देखते हैं इज एम आर का नेक्स्ट यूज। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं इज एम आर का थर्ड यूज। इज एम आर का जो थर्ड यूज है वो होता है पैसिव वॉइस में। इज एम आर को हम पैसिव वॉइस में यूज करते हैं, लेकिन ये पैसिव वॉइस होते कौन से हैं, पैसिव वॉइस ये होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के, यानी जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो सेंटेंस होते हैं उनका जो हम पैसिव वॉइस बनाते हैं उसमें हमेशा इज एम आर का यूज होता है, प्लस इज एम आर के साथ होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज। तो फ्रेंड्स आइए देखते हैं सेंटेंस, सेंटेंस है तुम्हें भेजा जाता है। तो फ्रेंड्स ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पैसिव वॉइस। अच्छा अगर इसका एक्टिव होता, एक्टिव वॉइस होता तो क्या होता, इसका एक्टिव होता तो वो होता मैं तुम्हें भेजता हूँ, मैं तुम्हें भेजता हूँ, लेकिन जब हमने इसको पैसिव में चेंज किया तो सेंटेंस हो गया तुम्हें भेजा जाता है। अगर हमें उसमें मैं को भी एक्सप्लेन करना है तो सेंटेंस हो जाएगा तुम्हें मेरे द्वारा भेजा जाता है, यानी जो ऑब्जेक्ट था उसको सब्जेक्ट के रूप में ले लिया जाता है। तो फ्रेंड्स इस सेंटेंस को हम बनाएंगे तुम्हें भेजा जाता है, तुम्हें के लिए यू आर सेंट, तुम्हें भेजा जाता है, और अगर ये होता मेरे द्वारा तो हो जाता यू आर सेंट बाय मी। एक बात बता दूं मैं आपको यहाँ, जितने भी पैसिव वॉइस होते हैं उसमें हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है हमेशा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, इज एम आर जो भी है आपका जो यूज हम करेंगे उसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। नेक्स्ट सेंटेंस उसे किताब दी जाती है, उसे किताब दी जाती है, तो यहाँ पे उसे कौन है, ही, उसे कौन है, ही। तो हमें मालूम है हम ही के साथ किसका यूज करेंगे, इज का। ही इज गिविन, मैंने बताया था वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, ही इज गिविन बुक। अगर जिसका जिसके द्वारा दी जा रही है उसका नाम है तो हम लास्ट में वाई करके उसे ऐड कर देते हैं। सपोज दैट सेंटेंस होता उसे मोहन के द्वारा किताब दी जाती है, तो सेंटेंस हो जाता ही इज गिविन बुक बाय मोहन।
नेक्स्ट सेंटेंस, मुझे पढ़ाया जाता है, मुझे पढ़ाया जाता है, यानी कोई टीचर है उसके द्वारा मुझे पढ़ाया जा रहा है। तो सेंटेंस होगा, मुझे के लिए हम आई का यूज करेंगे, आई एम टॉट, यानी टीच में होता है पढ़ाना, तो आई एम टॉट, मुझे टीचर के द्वारा पढ़ाया जाता है, आई एम टॉट बाय टीचर, टॉट टीच की थर्ड फॉर्म है। सो नेक्स्ट सेंटेंस, उन्हें देखा जाता है, तो यहां जो उन्हें है वो है आपका वे, उन्हें क्या है वे, तो हम यहाँ पे वे के लिए दे का यूज करेंगे, और दे के साथ मैं ऑलरेडी बता चुकी हूं आर का यूज होगा, दे आर सीन, उन्हें देखा जाता है, दे आर सीन। और नेक्स्ट सेंटेंस है फ्रेंड्स, अमन को डांटा जाता है, अमन को डांटा जाता है, तो अमन यहाँ पर हमारा क्या है सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नाउन, तो अमन के साथ हम यूज करेंगे इज का, अमन इज स्कॉल्डेड, स्कॉल्ड की थर्ड फॉर्म स्कॉल्डेड, और हमें थर्ड फॉर्म का यूज करना है, तो सेंटेंस हो गया अमन इज स्कॉल्डेड। सो फ्रेंड्स, ये है आपके तीन यूज, फर्स्ट यूज मैंने आपको बताया था सिंपल सेंटेंस यानी प्रेजेंट में, और दूसरा आपको ये बताया था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में, और तीसरा जो इज एमआर का यूज होता है वो होता है पैसिव वॉइस में, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। अब हम देखेंगे इज एम आर का नेगेटिव सेंटेंसेस में यूज। तो फ्रेंड्स, पहला सेंटेंस है वे ईमानदार नहीं है। मैंने ये तीनों सेंटेंस को फ्रेंड्स जो हमने यूज किए थे सिंपल सेंटेंस एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस एंड पैसिव वॉइस, उन्हीं से लिया है। तो पहला सेंटेंस है वे ईमानदार नहीं है, इसको हम ऐसे बनाएंगे, दे आर नॉट ऑनेस्ट, दे आर नॉट ऑनेस्ट। और नेक्स्ट सेंटेंस है हम नहीं जा रहे हैं, वी आर नॉट गोइंग। आर नॉट को आप aren't भी बोल सकते हैं, जब हम अपनी डे टू डे लाइफ में स्पीकिंग की तरह यूज करेंगे, देन वी कैन से वी aren't गोइंग, वी aren't गोइंग। और नेक्स्ट सेंटेंस है उसे नहीं भेजा जाता है, उसे मीन्स वह। तो फ्रेंड्स, ही इज नॉट सेंट, उसे नहीं भेजा जाता है, तो यहाँ पे हमने केवल नॉट को जो हमारी ऑक्सिलरी वर्ब है इज एम आर उसके साथ कनेक्ट किया है, और सेंटेंस यहाँ पर हमारा नेगेटिव रेडी हो चुका है। तो फ्रेंड्स, इसके अलावा हम देख सकते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं, जैसे क्या वे ईमानदार हैं, तो हम उसमें कुछ नहीं करेंगे, अपनी जो ऑक्सिलरी वर्ब होती है उसे आगे रख देते हैं, तो सेंटेंस हो जाएगा आर दे ऑनेस्ट, क्या हम जा रहे हैं, आर वी गोइंग, आर वी गोइंग, उसे नहीं भेजा जाता, क्या उसे भेजा जाता है, इज ही सेंट, इज ही सेंट। फ्रेंड्स, इसी तरीके से हम जो डब्ल्यू एच वर्ड से सेंटेंस बनते हैं, तो जो हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं, उन इंट्रोगेटिव सेंटेंस में पहले हम डब्ल्यू एच वर्ड्स लिखते हैं, और उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस लाइक दैट, आर दे ऑनेस्ट, आर बी गोइंग, अगर हमने उसमें इंट्रोगेटिव वर्ड लगाया है कि हम क्यों जा रहे हैं, तो हो जाएगा वाई आर वी गोइंग, उसे क्यों भेजा जाता है, Why is he sent? इस तरीके से हम जो डब्ल्यू एच वर्ड्स का यूज करके सेंटेंस बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था आज का इज एम आर का यूज, और मैंने इस वीडियो को आपको अपनी तरफ से पूरी तरह से अच्छे से समझाने की कोशिश की है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक करें मेरे वीडियो को, और शेयर भी करें, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड्स प्लीज़ सब्सक्राइब भी करें। सो फ्रेंड्स, वी विल मीट अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन टेक केयर, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, बाय बाय।